नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर फर डबल ए एकेडमी के ई पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही जबरदस्त और फुल एनर्जी के साथ एकदम पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपने कामों को एक एनर्जी के साथ कर रहे होंगे। आइए हम लोग एक नए एनर्जी और ऊर्जा के साथ एक अगले वीडियो में आप लोगों को एक अच्छे तरीके से अवकलनीयता के बारे में बताते हैं। पीछे के वीडियो में हम लोग सततता पढ़ रहे थे, लेकिन आज मैं अवकलनीयता के बारे में बताऊंगा और अवकलनीयता के सूत्र को बताऊंगा, जिससे आप पकड़ पाएंगे कि अवकलनीयता क्या होता है। सूत्रों से ही आप ये जान पाएंगे कि हमें मानों को कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं, एकदम अच्छे तरीके से, एक चुनिंदे तरीके से हम लोग देखते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अवकलनीयता क्या? अवकलनीयता ध्यान दीजिएगा सब लोग, अवकलनीयता, अवकलनीयता, अवकलनीयता माय डियर, ये आपको पता रहना चाहिए। अवकलनीयता जो है आपका, ये अवकलनीयता आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अवकलनीयता से एक क्वेश्चन आपका बनता है। अवकलनीयता होता क्या है, ध्यान दीजिए। अवकलनीयता वह होता है भैया जिसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाएं पक्ष की सीमा, राइट हैंड डेरिवेटिव दाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाएं पक्ष की अवकलनीयता, राइट हैंड डेरिवेटिव दाएं पक्ष की अवकलनीयता, अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो अवकलनीयता कहा जाता है। आइए बारी बारी से एक एक चीज को मैं बताता हूं। अवकलनीयता में सबसे पहले आपको ले रहा हूं, दो होता है, ध्यान दीजिएगा। अवकलनीयता में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, यहां पे दोनों चीजों को मैं बारी बारी से पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। देखिए, पहले आपका अवकलनीयता में राइट हैंड डेरिवेटिव आता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आता है। तो यहां पे देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दाएं पक्ष की अवकलनीयता, अवकलनीयता दाएं पक्ष की अवकलनीयता, दाएं पक्ष की अवकलनीयता आप लोग बोलेंगे। एक बार फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूं, दाएं पक्ष की अवकलनीयता, ठीक है। एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं बाएं पक्ष की अवकलनीयता, अवकलनीयता बाएं पक्ष की अवकलनीयता, राइट हैंड डेरिवेटिव दाएं पक्ष की अवकलनीयता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाएं पक्ष की अवकलनीयता, ठीक है। ये दो होते हैं, दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है। दोनों फार्मूलों को
मेरे प्यारे बंधु आइए समझते हैं। यहां पे आपका होगा लिमिट, यहां पे लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, यहां भी होता है एच टेंस टू जीरो, ठीक है, यहां भी क्या होता है एच टेंस टू जीरो होता है। इसके आगे क्या लिखते हैं, यफ ए प्लस एच, यफ ए प्लस एच माइनस यफ ए, क्या होता है यफ ए पूरा के बटा यच होता है, पूरा के बटा यच होता है। ये आपका है राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र। ये किसका सूत्र है भैया, राइट हैंड डेरिवेटिव का। इसको आपको इसी वीडियो को देखते देखते याद कर लेना है, ठीक है। आइए हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, देखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस था यहां माइनस, ए माइनस एच माइनस एफ ए पूरा के बटा माइनस एच, पूरा के बटा माइनस एच, ये है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपके सामने दोनों मैं फार्मूला को लिख चुका हूं, दोनों फार्मूला को आप एक अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर हमको बताइए कि इसमें क्या है। ध्यान से सुनिए, अवकलनीयता, अवकलनीयता में क्या है, राइट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव दाएं पक्ष की अवकलनीयता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाएं पक्ष की अवकलनीयता, दो होता है। आपको मैं बताया हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दो होते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच होता है। अवकलनीयता कब कह पाएंगे आप, आइए देखते हैं। अवकलनीयता तब कह पाएंगे जब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए मेरे प्यारे बंधु, तो आप बताएंगे कि यह क्या है, यह क्या है अवकलनीय, क्या है अवकलनीय, अवकलनीय है, ये आपको बताना है अवकलनीय, ठीक है। ये है अवकलनीयता, ये दोनों अगर आपस में बराबर आ जाए तो यह क्या है अवकलनीय। तो मेरे प्यारे बंधु, हम इस पे अब एक या दो सवाल आपको करा देता हूं। ये सूत्र है, दोनों सूत्र याद रहेगा तो पूरी प्रश्नावली को हम जैसे लगा रहे हैं एकदम उसी तरह आप एक एक सवालों का पोस्टमार्टम कर देंगे। तो आइए हम लोग सवालों को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको हम एक बार अच्छे तरीके से बता देता हूं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब इसमें आप लोगों को एक या दो सवाल मैं कराऊंगा जो कि अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं, आप उसी बेस पे पूरे प्रश्नावली को हल कर लेंगे। पांच के सी को, पांच के सी को पूरे अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर पाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है, एक सवाल लेते हैं, अब उसको एक अच्छे तरीके से एक एनर्जी के साथ हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूं, एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर
एफ एक्स बराबर एक्स घाते एफ एक्स बराबर एक्स घाते तीन, एक्स घाते तीन, एक्स बराबर एक पर, एक्स बराबर एक पर अवकलनीयता, अवकलनीयता, अवकलनीयता की जांच कीजिए, जांच कीजिए। ये मान लीजिए प्रश्न आ गया, एकदम हूबहू ऐसे ही पेपर में आ जाता है प्रश्न। क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स घाते तीन, एक्स बराबर एक पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो मेरे प्यारे बंधु, मेरा फंडा है, आप एक जानते ही हो कि हर एक सवाल को मैं एक अच्छे तरीके से, एक चुनिंदे तरीके से पोस्टमार्टम करता हूं। आइए इसको भी करते हैं उसी प्रकार। देखिए एफ एक्स बराबर एक्स घाते तीन है, तो आप यहां क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अवकलनीयता की जांच करना है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बंधु, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। आइए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, ध्यान दीजिएगा। तो एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिए यहां पे एक बार लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स घाते तीन आपको दिया है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, और एक ठो चीज दिया है एक्स बराबर एक, यानी यहां लिखेंगे एक्स बराबर ए, यानी कि यहां से ए बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा, ए बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा, एक। सूत्र देखिए क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या सूत्र, क्या सूत्र है भैया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा के एच, बटा के एच, ठीक है, बटा के क्या आ रहा है भैया, एच। मान को रखें, ध्यान से देखिएगा, एक्स बराबर एक है तो एक्स बराबर ए, ए के सामने कौन है, मैं, ए बराबर एक है भैया, ए बराबर एक इसमें पुटअप कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए का मान एक रख लीजिए तो यहां से आ जाएगा वन प्लस एच, क्या आ जाएगा, वन प्लस एच माइनस एफ ए, यानी एफ वन, एफ वन पूरा के बटा ये आ जाएगा एच। मान को अब रखेंगे मेरे प्यारे बंधु, हमने क्या किया, ए के मान को रख लिया इसमें, अब क्या करेंगे, यप इसको मानेंगे यक्स, क्या मानेंगे भैया, यक्स, यप यक्स, यप यक्स, यक्स मान करके यक्स जहां जहां है वहां रख देंगे, यानी कि यफ यक्स, ये वैल्यू जो आपका आ रहा है यहां पे, यफ यक्स, यक्स के स्थान पे कौन रखा जाएगा भैया, वन प्लस एच, कहां रखेंगे मेरे प्यारे बंधु, ये जो यक्स घाती तीन, आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि ये यफ यक्स मैं कहां रखने की बातें कर रहा हूं, ये जो यफ यक्स हो रहा है यक्ष के स्थान पे आ रहा, यफ यक्ष, यफ यक्ष, यक्ष के स्थान पे पुट करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखते हैं लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, यहां रखेंगे मान वन प्लस एच, वन प्लस एच का होल क्यूब, वन प्लस एच का होल क्यूब, वन प्लस एच यहां रख दिए, एक्स के स्थान पे क्यूब है तो वन प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस एफ वन, यही रखिए भैया, एफ वन, वन का क्यूब, किसका क्यूब, वन का क्यूब, पूरा के बटा एच आएगा, कितना आएगा, एच आएगा। यहां लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब देखिए मेरे प्यारे बंधु कितना आसान तरीका मेरे भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब,
सब लोगों को पता होगा मेरे प्यारे बंधु कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। अगर नहीं पता है तो आज मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए, 1 प्लस h का होल क्यूब, 1 प्लस h का होल क्यूब यहां पे पुट अप करिए, हल करिए, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी और क्या है माइनस वन। एक का क्यूब एक ही होता है इसलिए एक रखिए। और नीचे क्या है मेरे प्यारे बंधु, h है मेरे दोस्त, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो। यहां पे आ गया एक, देखिए भैया एक का क्यूब कितना आएगा, एक आएगा, प्लस एच क्यूब प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस 1, आप पूरा के बटा के आएगा एच आएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा मेरे बंधु, कट जाएगा और पूरे में से एच का मान कर लीजिए, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, एच का मान करिए और जो बच रहा है उतारिए, एच स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3h। भैया एच का मान किए, एच स्क्वायर बचा, 3 बचा, 3h बचा, पूरा के बटा क्या आ गया एच, एच से एच भैया कट गया, बचा क्या ये वैल्यू बचा, एच का मान दिख रहा होगा एच टेंड्स टू जीरो, मतलब एच का मान जो है जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है मेरे प्यारे बंधु। आपको 100% पता है कि एच का मान जीरो रख देंगे, यानी जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो टेंस जीरो की तरफ जा रहा है, यानी जीरो मान लेंगे, यानी एच का मान जीरो रखेंगे, तो यहां आ जाएगा मेरे प्यारे बंधु, आपको दिख रहा होगा जीरो प्लस 3 प्लस 0 बराबर कितना आया, 3 आया, कितना आया मेरे प्यारे बंधु, 3 आया। यान राइट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ऐसे हल करते हुए गए तो कितना आया मेरे प्यारे बंधु, 3 आया, क्या आया 3 आया। लेकिन अभी हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, आइए हम लोग उसको भी निकालते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भैया, देखिए तो अब जो है आपको वो अगला जो था, ध्यान दीजिएगा, या इसको इरेस ही कर लेते, ठीक है भाई, इसको हम लोग इरेस ही कर ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर ले रहे भैया, इरेस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेस ही कर ले रहे हैं, देखिए इसको इरेस करके आपको मैं बता रहा हूं, देखिए प्रश्न नंबर 8, ये आपका जो कैलकुलेशन है कितना आया है देख लीजिए थोड़ा, ये आपका आया है 3, कितना आया था भाई 3 की 2 आया था, देख लीजिए एक बार, अब देखिए इसमें हाँ ये याद रहे आपका क्या आया है 3 आया, क्या आया भैया 3 आया, ये आपका वैल्यू कितना आया है 3 आया। अब देखिए आपको करना क्या है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है इरेज कर लेते हैं इसको, हाँ प्रश्न कहाँ भैया, ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके सामने,
दिख रहा होगा, देखिए अवकलनीयता में एफएक्स बराबर एक्स घाते तीन। देखिए अभी हम लोग निकाले हैं, अभी हम लोग निकाले हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आया है, यहां पे लिख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया है हमारा, साइड में यही लिख लेते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया है वो हमारा तीन आया। क्या आया है? तीन आया, ये आ चुका है हमारा। अब हमको निकालना है मेरे प्यारे बंधु लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच होता है, उसमें प्लस एच होता है, इसमें माइनस एच होता है। देखिए क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, अब क्या करेंगे भैया ए माइनस एच, यानी एफ ध्यान दीजिएगा एफ वन माइनस एच, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन पूरा के बटा माइनस एच। रखिए मान को भैया इसी में रखिए, तो ये आएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, रख लीजिए वन माइनस एच का होल क्यू, वन माइनस एच का होल क्यू माइनस माइनस ये वन का क्यू, अब पूरा के बटे क्या है माइनस एच, क्या है माइनस एच। इसको इधर हल कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तोड़िए भैया ए माइनस बी के होल क्यू से, ए का क्यू ध्यान दीजिए यहां पे था, जांच कीजिए ठीक है, यहां पे था जांच कीजिए, ये था आपका ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़िए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी, थ्री ए बी कोष्टक में ए माइनस बी माइनस वन पूरा के बटा माइनस एच, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, यहां आएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां आएगा भैया माइनस एच का क्यू माइनस थ्री एच, अब माइनस माइनस प्लस थ्री एच स्क्वायर पूरा के बटा माइनस एच। इसमें से भैया कॉमन करिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कॉमन करिए भैया तो यहां आएगा माइनस एच स्क्वायर, यहां आएगा माइनस थ्री, यहां आएगा प्लस थ्री एच, अब बटा के माइनस एच, एच से एच कटेगा माइनस रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस थ्री, ये हो जाएगा माइनस थ्री एच, मान को रखेंगे तीन आ जाएगा, क्या आएगा तीन, क्यों, क्योंकि एच का मान जीरो, ये देखिए जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तीन बचेगा तो ये तीन आएगा, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव भी तीन आया है और आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया तीन आ गया। तो आप बता पाएंगे यहां पे आप बता लेंगे कि सर जी जो हमारा मान है, जो हमारा मान है वह क्या है, वह क्या है अवकलनीय है, क्या है अवकलनीय है, हमारा मान क्या है अवकलनीय, हमारा मान क्या है अवकलनीय, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, इसलिए क्या है अवकलनीय, क्या है अवकलनीय ठीक है। यही ये था आपका ये प्रश्न। एक और प्रश्न आप लोगों को मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिए उस प्रश्न को, आपका प्रश्न एक और मैं ले लेता हूं,
प्रश्नावली का ही क्वेश्चन ले लेता हूं, पांच केसी का पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूं, देखिए कैसे लगेगा। एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर एक्स घाते दू, एक्स घाते दू किस पे चेक करना है भैया, एक्स बराबर दू पे, एक्स बराबर दू पर अवकलनीयता की जांच कीजिए, अवकलनीयता ठीक है, अवकलनीयता की जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर दो पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। देखिए भैया वही काम करेंगे जो हम पीछे किए हैं, नेक्स्ट प्रश्न में किए हैं वही काम। आपको बता दे रहा हूं कि ये प्रश्न जो है एकदम सेम उसी तरह लगा रहा हूं, अगर पिछला प्रश्न आपको अगर दिक्कत किया होगा तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे बेहतर तरीके से, इसमें समझ जाइएगा पूरा का पूरा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ही बात है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है, एक्स बराबर दो पर अवकलनीयता की जांच करना है। देखिए भैया हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव ठीक है भैया, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहां लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए पूरा के बटा एच। यहां पे क्या मान है भैया देख लीजिए, एक्स बराबर दो है तो एक्स बराबर ए मतलब ए बराबर दो, तो यहां रख लीजिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ दो प्लस एच माइनस एफ टू बटा के एच हो जाएगा, मान रखिए इसमें। देखिए एफ एक्स एक्स के स्थान पे है, ये एक्स के स्थान पे, तो एक्स के स्थान पे रखिए ना प्यारे बंधु, यही फंक्शन है आपका, यही फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो इसी में रखिए, तो ये टू प्लस एच इसमें रखिए भैया, तो यहां पे रखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू प्लस एच यानी टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस दो का वर्ग पूरा के बटा एच हो जाएगा। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़िए भैया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दो का वर्ग प्लस एच का वर्ग प्लस टू ए बी यानी दो दुना के चार एच माइनस दो का वर्ग क्या होता है भैया चार, अब बटा के एच हो जाएगा। इधर हल कर लेते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बताइए भैया दो का वर्ग क्या होगा चार प्लस एच स्क्वायर प्लस चार एच माइनस चार पूरा के बटा एच, माइनस चार से प्लस चार कट जाएगा, एच कॉमन करिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच कॉमन कर लीजिए एच प्लस फोर क्या आएगा एच प्लस फोर अब बटा एच, एच से एच कट गया यानी जीरो रखिए इसमें जीरो प्लस चार बराबर चार, ये आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या गया चार। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने में जितना समय आपको इधर लगा है उतना ही उसमें भी लगेगा, तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आया है चार उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग भैया, यहां लिख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव चार आया,
अब हम लोग निकालने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बाएं पक्ष की अवकलनीयता। देखिए यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए कैसे निकालते हैं भैया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा के माइनस एच क्या होता है, माइनस एच होता है माइनस एच। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहां पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच यानी एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू पूरा के बटा माइनस एच। मान रखिए भैया तो ये आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस दो का वर्ग पूरा के बटा माइनस एच। हल करिए भैया इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो तोड़िए इसको, दो का वर्ग क्या होगा भैया चार मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी दो दुना के चार एच और माइनस चार पूरा के बटा माइनस एच। माइनस चार से प्लस चार कटेगा, यहां आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ये होगा एच का मान एच माइनस चार एच माइनस चार अबटा माइनस एच, एच से एच कट जाएगा इसमें क्या होगा मान रखिए और माइनस को मल्टीप्लाई करिए तो जीरो माइनस चार जीरो माइनस चार ये माइनस आपका आ गया तो ये जाके इसको क्या कर देगा प्लस यानी कितना आ गया चार। यहां देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था चार और हमारा ये जो निकल के आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी चार आ गया। तो मेरे प्यारे बंधु आपको हम बता चुके हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों आपस में बराबर आता है तो आप क्या बताएंगे कि यह क्या है अवकलनीय, क्या है डेरिवेटिव अवकलनीय है। तो यहां पे आपका ये आप कह सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या है बराबर है इसलिए यह क्या है, यह क्या है भैया यह क्या है अवकलनीय। तो यहां पे लिखेंगे यह क्या है अवकलनीय, अवकलनीय अवकलनीय ठीक है। तो मेरे प्यारे बंधु पांच के सी की प्रश्नावली अब इसी प्रकार एकदम अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर पाओगे, एक एक सवाल को लगा दोगे। तो आपको आज के लिए मैं इतने पे रोकता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपके पांच के सी का प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन रहेगा और मैं बताऊंगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे बंधु इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी को शुभ संध्या का शुभ रात्रि का नमस्कार।